लर्नर्स एंड वेलकम इन दिस वीडियो बात हो रही है अपॉर्चुनिटी सोर्सेज की और ये वो सोर्सेज हैं जिस पर आप गहरी नजर रखें तो आपको बेहतरीन बिजनेस आइडियाज मिल सकते हैं ये वीडियो है सोशल इनोवेशन और मार्केट गैप्स के बारे में अच्छा सोशल इनोवेशन इज अ बर्ज वर्ड इन दीज डेज और सोशल इनोवेशन को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किस तरह से डिफाइन करता है द एप्लीकेशन ऑफ इनोवेटिव प्रैक्टिकल सस्टेनेबल मार्केट बेस्ड अप्रोचेज टू बेनिफिट सोसाइटी इन जनरल एंड लो इनकम और अनडिजर्वड पॉपुलेशन इन परटिक्यूलर यानी इन अदर वर्ल्ड्स हम अपने और चैलेंजेस को सॉल्व करना चाहते हैं उसके सोल्यूशन के लिए बिजनेसिस आगे आएंगे ये बिजनेसेस प्रोडक्ट और सर्विसेज डिजाइन करेंगे और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इनके मेन बेनिफिशरीज वो पॉपुलेशन होगी जो अंडर प्रिवलिज पॉपुलेशन है सोशल इनोवेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली आया कहाँ से सोशल इनोवेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली आया कि जब बिजनेसेस अपना काम कर रहे थे फॉर प्रॉफिट और सोसाइटल इश्यूज को डील कर रहे थे एनजी लेकिन जितनी भी एनजी काम करती हैं बेसिकली वो एनजी बहुत ज्यादा रिलाई कर रही होती हैं ऑन देयर डोनेशन जब तक डोनेशन आती रहती है एनजी चलती रहती हैं और अपना काम करती रहती हैं लेकिन जैसे ही वो डोनेशन आना बंद हो जाती हैं तो एनजी के लिए भी काम करना मुश्किल हो जाता है वहां से एक आइडिया आया कि वाई नॉट जितने भी बिज़नेसेस हैं वो अपना मॉडल लेकर आए बिज़नेसेस अपना प्रॉफिट भी अर्न करें लेकिन साथ साथ क्यों ना वो किसी एक सोसाइटल इशू को भी सॉल्व कर रहे हों इसका फायदा ये होगा कि जितने भी हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन हुआ है वो प्रॉफिट भी ला रहा होगा और साथ साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम सोसाइटी का सॉल्व भी हो रहा होगा और जो ओवर रिलायंस है ऑन द डोनेशन वो कम हो जाएगी आपके ज़ेहनों में ये सवाल आ सकता है कि दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज़ uh, हैं जो कि बहुत फिल्म हैं बहुत ज़्यादा डोनेट करती हैं अच्छे मकासद के लिए और इसी तरह कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर लार्ज कॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा डोनेट uh, कर रही होती हैं किसी न किसी एक परपज़ के लिए ये अपनी जगह लेकिन सोशल इनोवेशन बेसिकली इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है इसके फीचर्स क्या हैं मिसाल के तौर पे जैसे कि मैंने आपसे सबसे पहले ये बात कही कि जो सोसाइटल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एक ऑपरचुनिटी बिजनेस ऑपरचुनिटी भी है मिसाल के तौर पर एयर पोल्यूशन है तो उसके लिए उस एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए अगर कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तो इट्स अ बिजनेस लाइकवाइज अगर लोग मिसाल के तौर पर किसी ना किसी एक डिजीज का शिकार हो गए हैं गॉड फॉरबेड या कोई एक एज अ डिजास्टर आ गया है या मिसाल के तौर पर आजकल जिस तरह से इवेंट uh, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आ गई है अब लोग बहुत ज्यादा इवेंट्स ग्रैंड इवेंट्स करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई चैलेंज या कोई ना कोई इशू या कोई ना कोई ट्रेंड और प्लस उसको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट और सर्विस और ये एक प्योर बिजनेस आइडिया होता है सो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटल चैलेंजेस जो हैं वो बिजनेस बेनिफिट्स या बिजनेस आइडियाज क्रिएट करते हैं नंबर टू इन सोसाइटी सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बिजनेस कोई ना कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है यानी सोशल इनोवेशन बिजनेस का इनोवेटिव एजेंडा भी हो सकता है बिजनेस स्ट्रेटजी भी हो सकती है प्रोडक्ट और सर्विसेज जो किसी भी सोसाइटल चैलेंज को सॉल्व करने के लिए डिजाइन की जा रही है बेसिकली वो बिजनेस की कोर कैपेबिलिटी भी हो सकती है और बिजनेस जब सस्टेन करता है यानी कोई प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन करते हैं और उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो सोसाइटी भी सस्टेनेबल हो जाती है और बिजनेस भी सस्टेनेबल हो सकता है बिजनेस इकट्ठा ग्रो कर सकता है बिजनेस में कॉम्पिटिशन भी हो सकता है न्यू प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट भी आ सकती है इन वर्ड्स आपके पास एक अच्छे बिजनेस को चलाने के लिए जितनी भी मैयर्स होते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिटेबल होना चाहिए बिजनेस की मार्केट होनी चाहिए बिजनेस का फ्यूचर में ग्रोथ शो होना चाहिए बिजनेस की कैपेबिलिटीज को बढ़ना चाहिए बिजनेस को एक नई प्रोडक्ट लानी चाहिए वो तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं बजाय इसके एक बड़ी कॉपरेशन थोड़े से पैसे निकाल के किसी एक एनजीओ को दे दे बिजनेस ही बाकायदा प्रोडक्ट और सर्विस की बेसिस के ऊपर डिजाइन किया जाता है और कोशिश की जाती है कि उससे बिजनेस को इना कोई सोसाइटी का प्रॉब्लम बिजनेस सॉल्व कर सके सोशल ऑन्टरप्रन्य कौन है अगर हम डेफिनेशन देखें तो सोशल ऑन्टरप्रन्य की जो डेफिनेशन इन्वेस्टोपीडिया uh, पर मौजूद है वो ये हमें बताती है कि सोशल ऑनटरप्रन आर इंडिविजुअल्स

किसी एक प्रॉब्लम को देखें प्रॉब्लम को अपॉर्च्युनिटी की नजर से देखें और उसके लिए कोई प्रोडक्ट और सर्विस डिजाइन कर लीजिए सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं सोशल ऑन्टरप्रनोर की अ सोशल ऑन्टरप्रनोर इज अ पर्सन हु नोवल एप्लीकेशन दैट हैव द पोटेंशियल टू सॉल्व कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम दीज इंडिविजुअल्स आर विलिंग टू टेक ऑन द रिस्क एंड एफर्ट्स टू क्रिएट पॉजिटिव चेंजेस इन सोसाइटी थ्रू देयर इनिशियटिव इसीलिए टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जहां भी आपके इर्द गिर्द आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है एज नॉन ऑनटरप्र्योर आपने उसको अपॉर्चुनिटी की नजर से देखना है आप कम्युनिटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे होंगे और आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज भी बेच रहे होंगे आपके इर्द गिर्द बहुत सी एग्जाम्पल्स आएंगी मिसाल के तौर पे जिस तरह अर्बन एरियाज में वर्किंग कपल्स बहुत बढ़ गए हैं और उनके पास टाइम नहीं होता कि वो जाके शॉप कर सकें इसलिए आप देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन कोई ना कोई ऐसी आ, इंटरनेट पे वेबसाइट आ रही होती है जो आपको ये बताती है कि आप अपनी चीजें सेलेक्ट करें अपनी ग्रॉसरीज की लिस्ट को सेलेक्ट करें और आपकी ग्रॉसरी आपकी डोर स्टेप्स पे आ जाएगी सो यू आर बेसिकली सॉल्विंग अ कम्युनिटी प्रॉब्लम वाइल हैविंग योर ओन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट अ गुड प्रॉफिट अब बात कर लेते हैं मार्केट गैप के बारे में मार्केट गैप एक बेहतरीन सोर्स होता है अपॉर्चुनिटी को हंट करने के लिए मार्केट गैप्स में बेसिकली आप क्या चीजें देख सकते हैं या तो आपके पास कोई प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं और आप उसको डिजाइन करके मार्केट के अंदर लेकर आ रहे हैं यानी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बिल्कुल ओरिजिनल है या फिर ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट सर्विस है आप उसको इंप्रूव करके मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट और सर्विस सेम है और आप उसको इंटायरली न्यू मार्केट में जाके लॉन्च कर रहे हैं आपने बहुत सी टर्म्स सुनी होंगी मिसाल के तौर पे मार्केट रिसर्च मार्केट इंटेलिजेंस इंडस्ट्री एनालिसिस ये तमाम बेहतरीन सोर्सेज हैं जिससे आपको अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं चाहे वो आपके बिजनेस शुरू करने के आइडियाज हों चाहे बिजनेस डाइवर्सिफाई करने के आइडियाज हों मार्केट रिसर्च बेसिकली है क्या आप किसी भी मार्केट उसके कंज्यूमर्स उसका साइज उनकी प्रेफरेंस उनके डेमोग्राफिक्स को जब मैयर कर रहे होते हैं स्टडी कर रहे होते हैं इट्स कॉल्ड मार्केट रिसर्च लाइकवाइज मार्केट इंटेलिजेंस क्या है मार्केट इंटेलिजेंस ये है कि ना सिर्फ आपको अपने बिजनेस के बारे में पता हो या जो जो प्रोडक्ट या सर्विस आपने डिजाइन किया है उसके बारे में पता हो बल्कि मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स के साथ साथ जितने भी कंपेटिटर्स हैं वो कंपेटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं उनके क्या फीचर्स हैं उनके क्या यूनिक सेलिंग प्रापोजिशन हैं वो किस प्राइस पे किस मार्केट को कैटर कर रहे हैं ये तमाम चीजें भी आपको मालूम होनी चाहिए इन तमाम इंफॉर्मेशन का होना आपका इंश्योर करता है कि आप एक बेहतरीन फैसला करेंगे या फिर आप अपने बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं या आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इसी तरह बात करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस की इंडस्ट्री का एनालिसिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है खास तौर पर जब आप न्यू एंट्रेंट हों आप इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं कोई किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं मेक इट शोर नंबर वन आप ये देखिए कि वो इंडस्ट्री कितनी कंपेटिटिव है उस इंडस्ट्री के अंदर फॉर्म्स कितनी देर तक सस्टेन करती है नंबर टू वो इंडस्ट्री इस वक्त क्या ग्रोथ स्टेज पर है या मेटोरिटी पे है या इंडस्ट्री में डिक्लाइन है ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री में डिक्लाइन आ रहा हो किसी वजह से और आप उसी इंडस्ट्री के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन कर रहे हो सप्लायर्स uh, कितने हैं मनोपली तो नहीं है सप्लायर्स की लाइक वाइज कम है ज्यादा है कॉम्पिटिशन का नेचर क्या है ये तमाम चीजें आपको मालूम होनी चाहिए जब ये चीजें आपको मालूम होंगी तो आप एक बेहतर फैसला कर पाएंगे और इंडस्ट्री एनालिसिस से हो सकता है आपको कोई और अच्छा आइडिया आ जाए इन अदर वर्ड्स यानी अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें हमने बताया अपॉर्चुनिटी क्या होती है उसको किस तरह से रेकग्नाइज किया जा सकता है आपको वही चीज़ प्रॉब्लम नजर आ रही होती है ऑन्टरप्रीनियर को वही चीज एक प्रोडक्ट या सर्विस की सूरत में नजर आ रही होती है हमारे पास जितने भी ऑपरचुनिटी सोर्सेज हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस की इट वॉज कि आप ट्रेंड ऑब्जर्व करें आप डेमोग्राफिक या सोशल ट्रेंड्स ऑब्जर्व करें आप इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस के ऊपर नजर रखिए आप सोशल इनोवेशन और ख़ास तौर पर मार्केट के अंदर जो गैप्स हैं उसके ऊपर गहरी नजर रखिए आपको यहाँ से बेहतरीन ऑपरचुनिटीज मिल जाएंगी हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि ये अपॉर्चुनिटीज तो हैं लेकिन इन अपर्चुनिटीज की बेसिस के ऊपर जो आइडियाज प्रोडक्ट के आने चाहिए सर्विसेज के आने चाहिए वो आइडियाज किस तरह से आते हैं सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो